आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइवर, जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये वही चीज है जिससे कंप्यूटर को ये ज्ञान होता है कि उसके पास कौन से हार्डवेयर लगे हुए हैं दुनिया भर के। जैसे ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मान लीजिए लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके पास दुनिया भर के डिवाइस कनेक्टेड हैं। कोई मोबाइल कनेक्ट कर रहा है, कोई कुछ और कनेक्ट कर रहा है, कोई ब्लूटूथ डिवाइस, कुछ भी कनेक्ट किया जा रहा है, तो इसको पता कैसे चल रहा है कि ये सारे डिवाइसेस हैं कनेक्टेड, और इससे क्या वर्किंग कराना है। ठीक है, तो डिवाइस ड्राइवर बेसिकली, अगर आप इसको आम भाषा में देखें कि डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, तो डिवाइस ड्राइवर एक स्मॉल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसको अगर हम लोग लिखें तो इट इज अ स्मॉल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर। तो देखिए बेसिकली ये क्या है, ये एक प्रकार का छोटा सा सॉफ्टवेयर है जो कि किसमें इंस्टॉल होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो अलग से टॉपिक है ही अपना, वो तो अपन पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी आप मान के चलो कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जैसे विंडोज आपके कंप्यूटर में डला रहता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे आता है, देखिए आप लोगों को मैंने पहले भी बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे ही आप कंप्यूटर चालू करते हैं तो फिर वो अपने रैम में जाके लोड होता है, और उसी से जो सीपीयू है वो रैम से ही दिन भर बातचीत करता रहता है, तो वो वहां से डेटा को फेच कर करके प्रोसेस करता रहता है। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम आपके रैम में जाके लोड होता है जैसे ही आप कंप्यूटर चालू करते हैं वगैरह। तो ऑपरेट ये जो स्मॉल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को ये सुविधा देता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को पहचान पाए। बेसिकली हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही है ऐसा जो हार्डवेयर को पहचानता है। तो हार्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को कौन ऐसा मदद करता है, तो वो एक छोटा सा पीस ऑफ सॉफ्टवेयर होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को मदद करता है कि उसके पास में चाहे माउस हो, चाहे कीबोर्ड हो, चाहे दुनिया भर का कोई भी हार्डवेयर आप कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को पता रहे उस हार्डवेयर के बारे में, तभी तो उसको काम करने की आजादी देगा। माउस कैसे काम करेगा, कीबोर्ड कैसे काम करेगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होना चाहिए उस हार्डवेयर के बारे में। तो उस हार्डवेयर के बारे में कैसे पता चलेगा, कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर हो जो ऑपरेटिंग सिस्टम में डला हो जो उसको जानकारी दे पाए कि भैया माउस को ऐसे घुमाने से आपको ऐसा करना है वैसा करना है, मतलब उसको जानकारी होना चाहिए बेसिकली। तो ये है, अब बेसिकली ये जो डिवाइस ड्राइवर होते हैं, बेसिकली इसको आम भाषा में सिर्फ ड्राइवर बोला जाता है, पूरे भाषा में डिवाइस ड्राइवर बोला जाता है। तो डिवाइस ड्राइवर जो होते हैं, ये हर डिवाइस जो भी आप डिवाइस कंप्यूटर के साथ लगाना चाहते हो, वो उसका ड्राइवर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होना ही चाहिए। बिना आपका ड्राइवर अगर इंस्टॉल नहीं है कंप्यूटर में, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम पहचान ही नहीं पाएगा कि वो कौन सा डिवाइस है। इसीलिए कभी कभी आप कभी कंप्यूटर की भाषा में अगर आप सुनते होगे कि कोई चीज काम नहीं कर रहा होता या रिकॉग्नाइज नहीं करता है, आप कोई चीज को लगाए कंप्यूटर में और वो रिकॉग्नाइज नहीं करता, तो आप क्या बोलते हो, इसका ड्राइवर उड़ गया होगा, है ना। तो ऐसे ही कुछ बोलते हैं, तो ये ड्राइवर, ये वही ड्राइवर है, ये एक छोटा सा पीस ऑफ सॉफ्टवेयर होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्डवेयर को रिकॉग्नाइज करने में मदद करता है। ठीक, अब ठीक है, तो ड्राइवर्स फॉर एनी गिवन डिवाइस विल डिफर बाय ऑपरेटिंग सिस्टम एंड वर्जन। इसका मतलब ये है कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग ड्राइवर होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने जो मान लीजिए ये नया मान लीजिए पेन टैब है, पेन टैब को मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अगर डला है तो विंडोज के लिए अलग डिवाइस ड्राइवर होगा, और क्या बोलते हैं कोई और लाइनेक्स के लिए अलग डिवाइस ड्राइवर हो सकता है। ठीक है, तो ड्राइवर्स अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम और इवन एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग वर्जन के लिए भी अलग अलग हो सकता है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक, दूसरी बात, ड्राइवर्स अगर आपको करना है तो क्या कैसे मिलते हैं, तो ये जनरली फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलते हैं। ठीक है, ये जनरली हार्डवेयर के साथ में ही आ जाते हैं, मतलब अगर आप कोई नया जैसे आजकल जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज वगैरह, वो इतने हाई क्वालिफाइड हो गए हैं कि जो नॉर्मल नॉर्मल डिवाइसेस होते हैं उसके ड्राइवर्स पहले ही मौजूद होते हैं। मतलब आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आप नया कंप्यूटर खरीदोगे और आप कभी क्या बोलते हैं माउस को डाल दोगे, कीबोर्ड को डाल दोगे तो वो काम नहीं करेगा, वो काम करेगा, उसके डिवाइस ड्राइवर डले रहते हैं। लेकिन अचानक से आप कोई नया प्रिंटर को इंस्टॉल करना चाहते हैं कंप्यूटर में, और प्रिंटर का जैसे ही प्लग आप कंप्यूटर में लगाते हैं, तो ये कंप्यूटर उसको तुरंत रिकॉग्नाइज शायद नहीं करता।
आजकल के कंप्यूटर तो कर भी लेते हैं, नए नए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सब डिवाइस ड्राइवर पहले से डले रहते हैं, लेकिन जो एकदम नया सा है वो नहीं होता। तो उसके लिए आपको कहाँ से लाएं आप डिवाइस ड्राइवर, तो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में इनके जो इस जो मान लीजिए जो भी मॉडल मॉडल का आप डिवाइस पकड़े हुए हैं, उस मॉडल के डिवाइस का आप गूगल में डालिए और गूगल में उसका डिवाइस ड्राइवर आपका आ जाएगा, वहां से आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही आप डाउनलोड कर लेते हैं आपके कंप्यूटर में वो डिवाइस ड्राइवर आ जाता है, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल उस डिवाइस को पहचानने के काबिल हो जाता है और वो फिर डिवाइस आपके कंप्यूटर के साथ बातचीत या वो बात कर सकता है मतलब, ठीक है। तो क्या होता है कि देखिए डिवाइस ड्राइवर्स को जनरली ऐसा ही बनाया जा रहा है या ऐसा किया जा रहा है कि हर प्रकार का, क्योंकि आजकल इतने प्रकार के हार्डवेयर डिवाइस हैं तो और इतने ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो डाइवर मतलब सब एक दूसरे से कंपेटिबल हो सके, ये मेन आजकल का उद्देश्य है। तो ड्राइवर्स आजकल लगभग सबके लिए अवेलेबल हैं और आसानी से पहले ऑपरेटिंग सिस्टम में डले रहते हैं, चाहे आप प्रिंटर की बात करो, कोई नेटवर्क कार्ड की बात करो, चाहे डिजिटल कैमरा की। मतलब अभी जैसे मैं कोई वेब कैम खरीद के लाया, ठीक है, वेब कैम खरीद के लाया और उसका बस आजकल तो जानते हो हर चीज यूएसबी से कनेक्ट हो जाता है, तो यूएसबी से कनेक्ट किया उसको, कोई मेरे कंप्यूटर को डिवाइस ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ी, वो अपने आप उसको ले लिया। लेकिन अगर यही पुराने जमाने का कंप्यूटर होता तो वो उसको तो नहीं मालूम ये कौन सा कैमरा है, तो उसके लिए एक डिवाइस ड्राइवर की जरूरत पड़ती। तो ठीक है, आजकल के जो नए डिवाइसेस आप खरीद रहे हैं उसको अगर पुराने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है तो आपको उसका डिवाइस ड्राइवर की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो ये एक कहानी थी, एक इंट्रोडक्शन था डिवाइस ड्राइवर का। अब डिवाइस ड्राइवर को अगर अपन देखें तो डिवाइस ड्राइवर दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका कर्नल डिवाइस ड्राइवर और एक होता है आपका यूजर मोड डिवाइस ड्राइवर। दो प्रकार का डिवाइस ड्राइवर होता है। कर्नल डिवाइस ड्राइवर क्या होता है पहले तो आप इसको समझ लीजिए और उसके बाद हम लोग यूजर मोड पे आते हैं। कर्नल डिवाइस ड्राइवर क्या होता है कि देखिए ये ऐसे डिवाइस ड्राइवर हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ लोड हो जाते हैं सिस्टम मेमोरी में। मतलब आपको ये पता है ना कि सिस्टम के मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है तो सिस्टम की मेमोरी को कुछ खा जाता है, लेकिन आपका मेन काम तो ऑपरेटिंग सिस्टम से है तो वो कवर अप कर लेता है। कर्नल डिवाइस ड्राइवर ऐसे डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं जो आपके सिस्टम मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ ही लोड हो जाते हैं, ठीक है। इससे फायदा यह होता है कि ये तुरंत मतलब कोई देरी नहीं होती क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ सिस्टम मेमोरी के अंदर में है, तो कभी भी सीपीयू को जरूरत पड़ती है इस डिवाइस ड्राइवर की तुरंत तुरंत एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। तो वो इसीलिए किया ऐसे मतलब कुछ कुछ जैसे मान लीजिए तुरंत तुरंत माउस कीबोर्ड या कुछ भी ऐसे ये है जो दिन भर जरूरत पड़ रहा है अपन को, तो वो क्या करेंगे वो सब डिवाइस ड्राइवर क्या होंगे, वो सिस्टम मेमोरी के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम में जाके अपने आप लोड हो जाएंगे और तुरंत तुरंत वो एक्टिवेट होते रहेंगे जब जब तुरंत तुरंत उसकी नीड है, ठीक है। और लेकिन ये आप लिमिटेड ही कर सकते हैं क्योंकि आपकी सिस्टम मेमोरी लिमिटेड है। आप जानते हैं कि रैम एक लिमिटेड कैपेसिटी का ही आता है, तो लिमिटेड कैपेसिटी में अगर आप सिस्टम मेमोरी में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को तो डाल रहे हैं, साथ में अगर आप डिवाइस ड्राइवर भी डालते जाएंगे तो सिस्टम भर जाएगा, मेमोरी भर जाएगा। तो इसलिए लिमिटेड डिवाइस ड्राइवर ही इसमें डाला जा सकता है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। कर्नल का हिंदी मतलब होता है चीफ, चीफ का मतलब होता है मुख्य, हिंदी में मुख्य मुख्य को कर्नल कहा जाता है, इसलिए इसका नाम कर्नल डिवाइस ड्राइवर। मतलब जो मुख्य मुख्य डिवाइस ड्राइवर है उसको सिस्टम मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही लोड कर दिया जाए। यूजर मोड डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं, ये ऐसे डिवाइस ड्राइवर हैं जब यूजर को जरूरत पड़ती है तब तब ही वो लोड होते हैं। मतलब इसको ट्रिगर करना पड़ता है, ठीक है। ये ट्रिगर होता है यूजर एंड यूजर के द्वारा, जो एंड यूजर है जो अपन यूजर है वो जब जब इसको ट्रिगर करेगा कि भैया मेरे को अब वेब कैम चालू करना है, तब तब उस डिवाइस ड्राइवर को मेन मेमोरी में लोड किया जाएगा, सिस्टम मेमोरी में लोड किया जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, ये एक डेडिकेटेड डिवाइस ड्राइवर होता है जो जब जरूरत पड़ती है तब उसको डाला जाता है सिस्टम मेमोरी में। तो इससे क्या होता है कि इंटरप्ट आ जाता है, ठीक है। देखिए इंटरप्ट का मतलब समझते हैं ना आप, इंटरप्ट हिंदी में क्या करना है, क्या बोलते हैं इसको, बाधा डालना। इंटरप्ट का मतलब तो यही होता है, बाधा डालना। तो देखिए अब आप इसको थोड़ा सा ऐसे समझिए कि अगर सीपीयू है, ठीक, सीपीयू कोई काम कर रहा है, मान लीजिए उसको इंस्ट्रक्शन मिला हुआ है, कोई प्रोग्राम चला रहा है वो, ठीक है, कोई अपन एक्सेल चला रहे हैं, कुछ भी प्रोग्राम चला रहे हैं बढ़िया टाइप का, तो
देखते हैं ना, जैसे वर्ड चलाते हैं, पावर पॉइंट चलाते हैं, ये पावर पॉइंट मान लीजिए ये प्रोग्राम चल रहा है, मेरा सीपीयू चला रहा है इस प्रोग्राम को। अब उसको तो मेरे द्वारा ये इंस्ट्रक्शन मिला हुआ है कि इस प्रोग्राम को चलाओ, ये स्लाइड को दिखाओ, तो वो प्रोग्राम को मस्त चला रहा है, उसके प्रोसेसिंग में चल रहा है, ठीक। लेकिन अचानक से मैं कोई ऐसा डिवाइस कनेक्ट कर देता हूँ, प्रिंटर कनेक्ट कर देता हूँ, कुछ कनेक्ट कर, तो यहाँ पे एक पॉपअप आ जाता है। क्या आप देखे होंगे क्या कभी, कि कुछ पॉपअप आ जाता है बीच में, कुछ कुछ काम करते करते एक स्क्रीन में छोटा सा विंडो आ जाता है जिसमें अपन को करना होता है। सर हाँ, इसको इसको बोलते हैं इंटरप्ट। मतलब जो सीपीयू या प्रोसेसर अपना जो काम करने का उसका एक सीक्वेंस है, उसमें बाधा डालना, दैट इज कॉल्ड इंटरप्ट। तो इंटरप्ट अलग अलग प्रकार के होते हैं। मतलब आप ऐसे ऐसे इंटरप्ट भी होते हैं जो जो प्रायोरिटी के बेसिस पे डिसाइड होते हैं। मतलब अगर जो इंटरप्ट आया वो इंटरप्ट अगर कम प्रायोरिटी का है तो उसको तुरंत नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन जो हाई प्रायोरिटी का है उसको पहले शो किया ही जाएगा। तो इंटरप्ट वैसे भी होते हैं, एक होता है मास्केबल इंटरप्ट होता है, और एक होता है नॉन मास्केबल इंटरप्ट। मतलब ऐसे इंटरप्ट जो मास्क किए जा सके, मास्क का मतलब होता है जिसको डिले किया जा सके। मतलब कोई अचानक से बीच में आया तो ठीक है, उसको बाद में देखेंगे करके साइड, और जिसको बिल्कुल इंटरप्ट नहीं कर सकते, उसको हटा ही नहीं सकते, उसको आपको कुछ ना कुछ उसमें ऑपरेशन करने पड़ेंगे, उसको बोलते हैं नॉन मास्केबल। तो ये इंटरप्ट होते हैं। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं डिवाइस ड्राइवर बता रहा हूँ, डिवाइस ड्राइवर में यूजर मोड डिवाइस ड्राइवर बता रहा हूँ। तो यूजर मोड डिवाइस ड्राइवर में यूजर को जब जब लगता है तब तब ट्रिगर होता है। तो सीपीयू अगर कोई काम कर रहा है और अचानक से मैं कोई डिवाइस डाल दिया, तो उसका वो एक इंटरप्ट क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को डिवाइस ड्राइवर की जरूरत पड़ती है, या फिर इंटरप्ट मेमोरी मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। मतलब अंदर में सीपीयू के पास एक इंटरप्ट मेमोरी मैनेजमेंट होगा कि कब, जब जब ऐसे बड़े बड़े प्रायोरिटी के इंटरप्ट आएंगे तो आपको क्या करना है, इसको मैनेज करना है, मतलब इसको रोकना है, किसी चीज को दिखाना है, या फिर उसको डिले करना है। ये सब एक हिस्सा है, किसका हिस्सा है, इंटरप्ट मेमोरी मैनेजमेंट का। तो बेसिकली ये जो यूजर मोड डिवाइस ड्राइवर होते हैं, ये इंटरप्ट मेमोरी मैनेजमेंट पे ही काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो कभी भी, और इसकी खास बात ये होती है इस टाइप के डिवाइस ड्राइवर की, कि कभी भी कोई एरर आता है, क्योंकि ये जाके अगर मान लीजिए आपने डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद वो हार्ड डिस्क में चला गया, स्टोर हो गया कहीं पे बड़े लोकेशन पे चला गया, लेकिन अभी मेन सिस्टम मेमोरी में नहीं आया है, ठीक है। सिस्टम मेमोरी में कब आएगा, जब आप को जरूरत पड़ेगी। तो अगर मान लीजिए कोई एरर आता भी है इसमें डिवाइस ड्राइवर में, तो वो डिवाइस ड्राइवर अपने आप को मतलब फिर से रीसेट करके सिस्टम को अफेक्ट ना करते हुए आराम से रीसेट कर देगा। मतलब आप इसको बोल सकते हैं कि ये ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। अगर बाय चांस आपका सिस्टम मेमोरी में लोडेड है कोई चीज और ड्राइवर, और वो खराब हो गया, तो फिर भारी दिक्कत आने वाली है। तो लेकिन अगर ये ऐसे ड्राइवर्स जो आराम से हार्ड डिस्क में रहते हैं, ठीक है, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ भी जाता है तो वो अपने आप को रीस्टार्ट कर लेते हैं, रीसेट कर लेते हैं बिना सिस्टम को अफेक्ट किए। तो ये ड्राइवर्स बड़े अच्छे होते हैं, इसलिए ये स्टेबल है। तो दोनों का फर्क आप लोग मेरे ख्याल से समझ पा रहे होंगे, कर्नल डिवाइस ड्राइवर और यूजर मोड डिवाइस ड्राइवर का।